एवरीवन, इनक्रेडिबल कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम क्रिस्पी ब्रेड बॉल्स बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 4-5 आलूओं को उबाल लिया है और अच्छे से उनको मैश कर लिया है। उसका आधा भाग पनीर लिया है, उसको भी कद्दूकस कर लिया है। दूध लिया है जिसमें हम डिप करके अपने बॉल्स बनाएंगे। 5-6 स्लाइसेस ब्रेड्स लिए, उसकी मैंने साइड्स निकाल दी हैं। और कुछ मसाले हैं जैसे लाल मिर्च, सौंठ पाउडर, धनिया पत्ती, अदरक कस किया हुआ, हरी मिर्च, चाट मसाला, हींग, धनिया पाउडर, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच। अब मैं इन सबको मिक्स करूँगी। डाल रही हूँ, आलू मैंने डाल दिए हैं और पनीर भी डाल दिया है। अब जो मैंने ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर रखा था वो भी डाल दूँगी, और ये हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, और ये अदरक, धनिया पत्ती, सौंठ पाउडर, लाल मिर्च, अजवाइन, चाट मसाला, धनिया पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब मैं इन सबको मैश करूँगी। अब मैंने ये सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इनके बॉल्स बनाऊँगी। ये ऐसे बॉल्स बनाएंगे गोल गोल, ऐसे अपने लड्डू की तरह। ऐसे सारे हम ऐसे लड्डू पहले बना के रख लेंगे। मैंने ये सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब मैं इनको ब्रेड में एक एक करके सारे फिल करूंगी। अब इन बॉल्स को मैं ब्रेड के अंदर डिप, दूध के अंदर डिप करके फिर बनाऊंगी। पहले इनको डिप कर ले अच्छे से, और फिर इसके बाद इसको ऐसे करके स्क्वीज कर दे अच्छे से, और इसमें ये एक बॉल रख दे। चारों कॉर्नर्स को ऐसे बंद कर दे ऐसे दबाते हुए, और थोड़ा सा इसमें ऐसे डिप कर ले। ऐसे ऐसे दबा दे अच्छे से। अब ये बन गया। अब ऐसे ही दूसरा बना ले। इसके चारों कॉर्नर्स को डिप करें दूध के अंदर, और इसके अंदर ये बॉल रखें, कॉर्नर्स को बंद करें, और थोड़ा सा इसको ऐसे दूध में और डाल लें। अब इसको मिला लें। अब ऐसे ही मैं बाकी के सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। ये ऐसे सारे बॉल्स बनकर तैयार हैं। इनको अब मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, और फिर आधे घंटे के बाद डीप फ्राई करूंगी। ये ब्रेड बॉल्स को रखे हुए फ्रिज में आधा घंटा हो चुका है। तेल गरम करना मैंने रख दिया है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके डीप फ्राई करेंगे, और लो फ्लेम पर करेंगे। डीप फ्राई हो रहे हैं, अब हम इनके गोल्डन ब्राउन होने तक का इंतजार करेंगे। ये वाला देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको हम निकाल देंगे। ये क्रिस्पी ब्रेड बॉल्स तैयार हैं। आप इनको एंजॉय कीजिए चाय के साथ, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब आप एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।